Hey guys, in this video we will discuss about one of the most important Indian aesthetic theory, jo hai Rasa theory. Agar hum Rasa theory ki baat karte hain, then we have to talk about Indian aesthetic. Indian aesthetic matlab jaise ki hum baat karte hain kisi bhi theory ke bare mein, to maximum time hum baat karte hain western theories ke bare mein ki western ne hame kya theory di hai. Lekin agar hum India ki baat kare to hamari Indian aesthetic bahut importance rakhti hai. हमारे जितने भी वर्क्स हैं उन सब में कुछ थ्योरीज हैं जो हमेशा देखी जाती हैं, जैसे कि रसा थ्योरी है या फिर हमारी अलंकार की थ्योरी होती है, ध्वनि लोक जैसे कि अभिनव गुप्ता ने दिया है वर्क. तो मेन यही चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन एस्थेटिक में आती हैं. और इंडियन एस्थेटिक को हम बेसिकली हिंदू एस्थेटिक भी बोल सकते हैं वैसे. तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रसा थ्योरी के बारे में. तो जो रसा थ्योरी है ये किसने दी है, हम पहले उसके बारे में देख लेते हैं. तो इसे भरत मुनि ने दी थी. हम हिंदी में बोलते हैं भरत मुनि, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू टॉक अबाउट लाइक भरत मुनि. तो जो भरत मुनि हैं वो एक सेज थे, मतलब कि एक प्रीस्ट थे, जो कि 500 AD टाइम पीरियड पे थे. और ये जो थ्योरी थी ये डेवलप करी गई थी बाद में, एक फिलोसफर थे अभिनव गुप्ता, उन्होंने करी थी इसे डेवलप. उन्होंने अभिनव गुप्ता ने इस थ्योरी को अप्लाई किया हर एक वैरायटी पर, जैसे कि थिएटर का वर्क हो, चाहे पोइट्री का वर्क हो, जितने भी हमारे आर्ट होते हैं, विजुअल आर्ट हो, चाहे हमारा ड्रामा हो या फिर पोइट्री हो, पेंटिंग हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी पीस ऑफ आर्ट हो, जो रसा थ्योरी है वो हर एक चीज़ पर, हर एक आर्ट पर वैलिड होती है, यूज़ होती है. तो इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो होता है कि जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो कैसे डिलाइट होती हैं. ह्यूमन फीलिंग्स है वो, जब ह्यूमन किसी चीज़ को देख रहा है, किसी आर्ट को देख रहा है, तो उसमें जो कोई भी जो सेंस है या फिर फीलिंग है, प्लेजर है, वो जो इवोक होता है वो होता है रसा. रसा बेसिकली क्या मतलब होता है इसका, फ्लेवर, जो कि हार्ट में, किसी भी हार्ट में, जैसे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग है उसके हार्ट में इवोक होता है. आपने कोई चीज़ देखी, उसे देखने के बाद आपको कुछ प्लेजर मिला, फ्लेवर मिला, वो होता है रसा. जैसे कि हम रस बोलते हैं हिंदी या संस्कृत की बात करें तो. तो भरत मुनि ने बोला या फिर भरता मुनि ने बोला कि जो रसा है, जो रसा थ्योरी होती है, ये सोल होती है, हार्ट होती है ड्रामा की या फिर किसी भी आर्ट की बात करें, चाहे वो कोई भी आर्ट हो, किसी भी टाइप का आर्ट हो. रसा थ्योरी का लिटरली मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है टेस्ट या फिर कोई भी फ्लेवर. जैसे कि आपने कुछ पढ़ा, आपको क्या टेस्ट है, जैसे आप कोई चीज़ पीते हैं, आपने कोई रस बनाया है, आपने फ्लेवर किया है कुछ, तो उसमें आपने एसेंस डाल दिया थोड़ा सा. जैसे हम बोलते हैं कि इस केक में वेनिला एसेंस है, तो उसमें वेनिला की हमें प्लेजर मिलेगा, उसे उसका टेस्ट आएगा. किसी में हम कहते हैं कि ये रेड वेलवेट है या फिर पाइनएप्पल है. तो हर एक जो रस है, हर एक जो टेस्ट है, उसका जो एसेंस है वो डिफरेंट होता है और वो हमें फील होता है. तो रसा थ्योरी का भी पहले मतलब यही होता है रस का, कि किसी चीज़ से आपको जो प्लेजर मिलता है उसकी जो एसेंस है वो. और अगर हम थ्योरी की बात करें, रसा थ्योरी की बात करें, तो सेम मतलब हो जाता है इसमें भी, कि कोई पीस ऑफ आर्ट जब आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो एसेंस होता है, हमें फील होता है, वो होता है रसा. ये जो इंडियन एस्थेटिक की रसा थ्योरी थी वो समहाउ जो स्ट्रक्चरलिज्म में बात करी गई थी, रोलांड बार्थ ने कंसेप्ट दिया था ब्लिस का, ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है. उसमें भी ब्लिस में रोलांड बार्थ ने कहा है कि जब हम कुछ देखते हैं तो हमें जो प्लेजर मिलता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं ब्लिस. और उसी को हम यहाँ पर रसा थ्योरी से भी देख सकते हैं, कि इंडियन एस्थेटिक में हम उसे रसा से बात करते हैं. तो अब हम इस वीडियो में थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, रसा थ्योरी से. तो रसा जो थ्योरी है वो एक रसा एस्थेटिक है, जो कि इंडियन एस्थेटिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. रसा का मतलब होता है जूस, एसेंस या फिर टेस्ट. और हिंदी में इसे रस बोलते हैं, मतलब कि प्लेजर, कुछ देखते टाइम, सुनते टाइम, उस चीज़ को जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो जो प्लेजर फील करते हैं, वो होता है रस. और इंडियन आर्ट में रसा थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है. तो जो रसा होता है ये एक फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है, जो कोई भी विजुअल आर्ट या फिर लिटरेरी आर्ट या फिर म्यूजिकल आर्ट वर्क जो है उसे देखते टाइम हमें फील होता है, उसमें होना चाहिए. इसीलिए बोला है कि जो पोइट्री की जो सोल होती है वो रसा थ्योरी होती है, कि बिना रस के जो पोइट्री है वो यूजलेस होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा. जैसे कि हमने कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ी या फिर हमने कोई बहुत अच्छी मूवी देखी, तो जब हमने रोमांटिक नॉवल पढ़ी तो उस टाइम पर हमारे अंदर एक फीलिंग
इरोज होती है, इवोक होती है, वो जो फीलिंग है वो क्या काम कर रही है, वो एक रस का काम कर रही है कि हमने कोई चीज़ पढ़ा तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आई, कुछ प्लेजर हुआ, हमें कुछ इंजॉयमेंट मिला उस चीज़ से। और ये जो रस है, ये जो रसा थ्योरी है या फिर ऑडियंस में ये जो प्लेजर क्रिएट होता है, ये होता है भाव से, भावाज से। अगर हम इंग्लिश में बात करें, भाव को इंग्लिश में बोलो तो भावाज से, स्टेट ऑफ माइंड से, कि जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कोई मूवी है या फिर कोई ड्रामा है, तो उस मूवी में, उस ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर हैं, उनके जो हाव भाव हैं, वो जो उनके एक्सप्रेशन हैं, वो कैसे हैं। अगर हम कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें फैमिली गैदरिंग दिखा रखी है, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो इमोशन होंगे वो लविंग होने चाहिए, या फिर वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनकी जो आंखों से आंसू आता है, जैसे हम कहते हैं खुशी के आंसू हैं, तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर हम कोई अलग मूवी देख रहे हैं या फिर कोई अलग सीन देख रहे हैं जिसमें सैडनेस को दिखाया गया है, तो दिखाएंगे कि वो सैड हैं, वो लोनली हो रखे हैं। कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, जब उसमें कहीं पे गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है या फिर सैडनेस है, तो उसे देखने के बाद एज अ ऑडियंस, एज अ रीडर, हम भी उस चीज़ को फील कर पाते हैं। अगर खुशी है तो हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं कि हम भी खुश हैं, हमारे अंदर भी प्लेजर जो है वो इवोक हो रहा है। और अगर सैडनेस है तो हम भी समहाउ फील करते हैं कि हम भी सैड फील कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग है हमारे अंदर इवोक होती है, वो जो इंजॉयमेंट है, प्लेजर है, कि हम उस चीज़ से कनेक्टेड फील करते हैं, वो होता है रसा। मेनली 8 टाइप के रसाज बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स अपने अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से रसाज को डिफाइन करते हैं, उन्हें कैरेक्टराइज करते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जो है वो सिंबलाइज करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है रोमांस को, लव को, और अट्रैक्टिवनेस को भी कर सकता है। और जो गॉड है वो विष्णु है, और जो कलर है वो लाइट ग्रीन है। अब हम इसमें डीप में देखते हैं कि श्रृंगार रस कैसे शो किया जाता है। तो श्रृंगार रस जो है, जैसे कि बोला कि ये ब्यूटी को, लव को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है। तो श्रृंगार रसा जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है संयोग रसा और एक होता है वियोग रसा। संयोग रसा में दिखाया जाता है जैसे कि जो कैरेक्टर है उसमें, जो हम देख रहे हैं, आर्ट, कोई भी विजुअल आर्ट है, पोइट्री है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, ड्रामा है, कुछ भी है, तो उसमें जो हीरो हीरोइन है या फिर एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जब उन दोनों के मिलने का सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स के बाद वो मिल रहे हैं या फिर अब उनके मिलने का टाइम आए, सालों तक उन्होंने वेट किया है, तो उसे जब हम देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या फिर सुन रहे होते हैं, तो उस टाइम पे एक इंजॉयमेंट हमें भी फील होता है, हमें भी प्लेजर मिलता है, इंजॉयमेंट होता है। तो वो जो उस टाइम पे जो हमारे अंदर इवोक होता है, वो होता है संयोग श्रृंगार रसा। और जो नेक्स्ट है वो है वियोग श्रृंगार रसा। जैसे कि सेम अगर सीन की बात करें कि अब जो उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन दिखाया जा रहा है, या फिर उन दोनों के बीच में छोड़कर सेपरेशन दिखाया जा रहा है मदर एंड चाइल्ड के बीच में, तो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है वो सैडनेस की होती है। और वो जो सैडनेस है वो ऑडियंस भी फील करती है। तो वो उस टाइम पे जो रस इवोक होता है ऑडियंस के अंदर, रीडर के अंदर, वो होता है वियोग श्रृंगार रसा। नेक्स्ट है हास्य रसा। हास्य रसा जो है वो लाफ्टर और जॉय को रिप्रेजेंट करता है, कॉमेडी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबलाइज करता है। और गॉड इसमें जो होते हैं वो शिवा होते हैं, और जो कलर होता है, जैसे कि अगर हास्य रसा में बात करें तो इसमें कोई भी जो ड्रामा है, सीन है, मूवी या फिर पोइट्री, कोई भी विजुअल आर्ट है, कोई भी किसी भी तरीके का आर्ट है, तो उसमें जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इवोक किए जाएंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसी फाइट्स दिखाई जाएंगी, फिगर्स दिखाई जाएंगी, जिससे जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उन दोनों के बीच में, जो भी उसे देखता है, सुनता है, उनके बीच में लाफ्टर इवोक होता है, उन्हें जॉय मिलता है, खुशी मिलती है, कि जो ऑडियंस है वो हंसने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे वो क्यों हंसे, हालांकि उन्हें पता है कि वो चीज़ देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, लेकिन वो हंसे क्योंकि उन्हें उस टाइम पे जो प्लेजर मिला, जो इंजॉयमेंट मिला, वो होता है उसका हंसे रसा। अब जो थर्ड है वो है रुद्र रसा। रुद्र रसा जो है वो एंगर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और इसके गॉड है शिवा, और जो कलर है वो रेड है। अब रुद्र रसा में कैसे होता है, जैसे कि कोई ड्रामा है, मूवी है, कुछ भी है, जो भी विजुअल आर्ट है या फिर कोई भी आर्ट है, तो एक ऐसी चीज़ कुछ ऐसा दिखाया जाए जब जो ऑडियंस है उसमें एंगर इवोक होने लगे, फ्यूरी होने लगे, उसे गुस्सा आने लगे। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं
तो हम देखते हैं कि अगर कोई विलन है उसने हीरो को फंसा दिया है किसी क्राइम में, या फिर जब हम देखते हैं रामायण में देखते हैं कि जो उसकी राम की जो स्टेप मदर है वो राम के लिए एग्जाइल मांग लेती है, तो उस टाइम पे जो हमारे अंदर एंगर आता है, जो हम फील करते हैं एज अ ऑडियंस एज अ रीडर उस टाइम पे, जो हमारे अंदर हमें इंजॉयमेंट नहीं आती बल्कि हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो वो गुस्सा जो हमारे अंदर इवोक हुआ है वो होता है रसा, कि उस वर्क ने अपना काम किया है, आपके अंदर जो रसा है वो इवोक हुआ है। नेक्स्ट है करुणा रसा। करुणा रसा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, सिम्बलाइज करता है पिटी को, सैडनेस को, फियर को। और इसमें जो गॉड हैं वो है यमा, और जो कलर है वो ग्रे है, रिप्रेजेंट जो इसे करते हैं। अब करुणा रसा में जैसे कि कोई कैरेक्टर दिखाया गया है, उस कैरेक्टर का मिसफॉर्च्यून दिखाया गया है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो उसे देखने के बाद जो ऑडियंस है एज अ ऑडियंस हमें सैडनेस फील होती है उस कैरेक्टर के लिए, कि शायद जो स्टार्टिंग से हम उस कैरेक्टर को सपोर्ट करते आए हैं सडनली उसके साथ ऐसा हो गया, तो हमें वहाँ पर उसके लिए ग्रीफ होती है, सैडनेस होती है, बेचारा फील होता है उसके लिए। और अगर मैं बात करूँ जैसे मदर या फिर चाइल्ड, इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिखाया, तब हमें सैडनेस फील होती है। तो ऐसे किसी भी सीन को देखने के बाद जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उसमें जो फीलिंग इवोक होती है, फीलिंग जो आती है, तो वो होती है करुणा रसा। अब नेक्स्ट है जो जो फिफ्थ है उसका नाम है विभत्स्य रसा। इसका मतलब होता है डिस्गस्ट, किसी चीज़ को देखकर अग्लीनेस आ रही है, घिन आ रही है ऑडियंस में। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ दिखाई गई है, कोई अगली इवेंट दिखाया गया है, कोई अगली थिंग दिखाई जा रही है उस किसी भी विजुअल आर्ट में या फिर किसी भी चीज़ में, आर्ट में मेनली, जैसे कि किसी का फेस दिखा रहे हैं, हाफ बर्न फेस है उसका, तो जो हाफ बर्न फेस है वो उसे देखने के बाद रीडर में या फिर ऑडियंस में एक तरीके से डिसगस्ट की फीलिंग आती है, घिन की फीलिंग आती है। कहीं पे दिखाई जा रही है रोटन बॉडी पार्ट पड़े हुए हैं या फिर डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसे देखकर भी हमें डिसगस्ट की फीलिंग आती है। और वो जो फीलिंग हमें मिलती है उसका मतलब है जो वर्क है उसने अपना वर्क जो है वो सही से किया है, रसा की थ्योरी कंप्लीट हुई है वहाँ पर, क्योंकि ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस के दिल में वो चीज़ इवोक हो रही है। सिक्स जो रसा है वो है भयानकम रसा, मतलब कि टेरर, फियर, एंग्जाइटी को शो करता है ये, कि किसी सीन को देखकर आपको एंग्जाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, हॉरर सीन्स, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप मूवी देख रहे हैं लेकिन हमें वो जो डर फील होता है, जो टेरर फील होता है, सडनली उसमें कोई भूत आ गया, सडनली कोई आवाज़ आ रही है, क्रो की आवाज़ आ रही है, तो उन सब, हालांकि हमें पता है कि वो चीज़ें रियल नहीं है, वो चीज़ें सिर्फ मूवी में हो रही हैं, प्ले में, एक्ट में, ड्रामा में हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर है वो टेरर होने लग जाता है, हमें खुद डर लगने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे अंदर टेरर आया है वो भयानकम रसा का ही एक पार्ट होता है, और एज अ ऑडियंस हमने उसे फील किया है। नेक्स्ट है सेवेंथ, वीर रसा। वीर रसा जो है वो हीरोइज्म को शो करता है, और इसका जो कलर है वो सैफ्रोन है, और जो गॉड है वो इंद्रा है। तो जो वीर रसा है जैसे कि वो हीरोइज्म को शो करता है, प्राइड को, करेज को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। जैसे किसी वर्क को देखते हुए, किसी चीज़ को देखते हुए जो ऑडियंस है, ऑडियंस में ये सारी चीज़ें इवोक होने लगे, अराउज होने लगे, उसे भी करेजियस फील होने लग जाए। जैसे कि हम देखते हैं कोई मूवी, और या फिर हम मैच देख रहे हैं, हालांकि मैच इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो आर्ट नहीं है, पर फिर भी जब हम कोई मैच देख रहे होते हैं, या फिर जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मोस्ट फेमस, तो उस टाइम पे जब इंडिया जीत जाती है तो हमारे अंदर भी एक तरीके से प्राइड आने लग जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो उस टाइम पे जैसे कि कोई हीरो है उसने विलन को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो उस टाइम पे जो फीलिंग आ रही है प्राइड की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, करेज की, हीरोइज्म की, तो वो सारी चीज़ें हमें फील होती हैं एज अ ऑडियंस एज अ रीडर। तो वहाँ पर जो है वो वीर रसा इवोक हो रहा है, वीर रसा इंक्लूड हो रहा है। और जो लास्ट रसा है वो है अद्भुत रसा, जो शो करता है वंडर को, मिस्ट्री को, क्यूरियोसिटी को, जैसे कि, और जो इसका कलर है वो येलो है, और जो गॉड है वो ब्रह्मा है। अब जैसे कोई टर्निंग पॉइंट है किसी वर्क में, कि दिखाया जा रहा था कि अभी तक एक पर्सन है वो एज अ बैगर घूम रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन सडनली एक टर्निंग पॉइंट आया उस वर्क में और हमें पता चला कि वो बैगर नहीं है, वो किंग है, तो यहाँ पर सडनली एक वंडर इराउज हुआ। या फिर कोई मिस्ट्री हो कि सडनली से, जैसे कि हमारी, जैसे कि कोई रिडल की मूवी होती है, पहेलीदार होती है, तो सडनली उसमें कोई ऐसा मोड़ आता है जब हमें मिस्ट्री समझ में आती है, हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, हम और जानना चाहते हैं, कुछ देखने के बाद हमें वंडर होने लग जाता है, तो वो होता है उस टाइम पे जो एज अ रीडर एज अ ऑडियंस जो हम फील कर रहे होते हैं वो होता है अद्भुत रसा।
तो यहाँ पर जो रसा की थ्योरी है बेसिकली वो ख़त्म होती है, जिसमें हमने 8 रसास की बात करी है। और रसा जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एस्थेटिक में, क्योंकि इंडियन एस्थेटिक में कुछ ही थ्योरीज हैं बेसिकली, जैसे कि हम ध्वनि थ्योरी की बात कर सकते हैं, या फिर हमारी जो स्फोत रसा है, अलंकार रसा है, और ध्वनि, और जो हमारी रसा थ्योरी है बेसिकली। तो आई रियली होप क्या